करेला गोश्त की सब्ज़ी बनाने के लिए ये करेला है जिसको हमने रफली चॉप कर लिया था। इसको हम लहदा से ही चॉप कर लेंगे और उसके बाद हम लेंगे चना दाल जिसको 2 घंटे पहले हमने भिगोकर रख दिया था। हम चना दाल और करेला दोनों को इकट्ठा ही थोड़ा सा वाटर लगाकर प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट्स तक विदाउट एनी ऑयल, सिर्फ वाटर में ही हमने इसका प्रेशर कुक करना है। और जब ये प्रेशर कुक हो जाएगा तो इसकी कुछ इस किस्म की पोजीशन होगी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम चना दाल और करेला दोनों को ही इस तरीके से फ्राई करेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने वाज़े तौर पर दिखाया है। दाल को गला हुआ होना चाहिए और करेला भी इस तरीके से गल जाए जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर आप ले लेंगे सरसों का तेल तकरीबन 3 से 4 टीस्पूनफुल और उसमें हम डालेंगे प्याज रफली चॉप और उसको हम करेंगे फ्राई। जब फ्राई हो जाएंगे तो उसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम ड्राई स्पाइसेस जो कि नमक, सुर्ख मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी हैं, मुनासिब मकदार में आप डाल देंगे। और उसके बाद आप इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी आप तकरीबन 15-20 ml इसके अंदर डालते हैं। आप फ्रेश टोमेटो भी ले सकते हैं लेकिन उसके बाद आपको अच्छी तरह ग्रेवी के अंदर कुक करना होगा और फिर इसमें आप डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, उसको भी आपने इस तरह कुक करने हैं। और फिर डालने हैं आपने करेले और चना दाल जिसको ऑलरेडी हमने प्रेशर कुकर के अंदर पकाया हुआ था, कुक किया हुआ था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे कुक्ड और फिर हम उसको फ्राई करेंगे विदाउट प्रेशर। अच्छी तरह आपने फ्राई करना है और थोड़ा सा वाटर भी लगाना है ताकि थोड़ी सी इसकी ग्रेवी फॉर्म भी हमें हासिल हो। और मुसलसल हम स्टर करते रहेंगे चम्मच को ताकि ये बॉटम में स्टक ना हो जाए और फिर हम ले डाल देंगे 3 से 4 इसमें ग्रीन चिलीज, सब्ज मिर्च और उसको भी हम थोड़ा सा कुक करेंगे तो उसका जायका भी इसमें आ जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।